टॉयलेट एक प्रेम कथा पर लगा चोरी का इल्जाम। जी आपने बिल्कुल सही सुना, साई एंटरटेनमेंट फिल्म के बैनर तले हिंदी फिल्म हम लेंगे संकल्प मेक इन इंडिया की टीम ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की टीम पर स्क्रिप्ट चुराने का आरोप लगाया है। कहा फिल्म की कहानी मिलती जुलती है, प्लॉट भी है सेम। अगर प्रोमो देखेंगे उनका और हमारा तो दोनों थोड़ा थोड़ा जो है कहीं कहीं आपको मैच मिलेंगे। तो प्लॉट हमारा जो है हमने पहले शूट किया हुआ है, तो इन लोगों ने क्या किया है हमारा ही प्लॉट सेम जो है ऐसा। साथ ही कहा प्रोमो में 7 से 8 सीन करते हैं मैच। और तो और डायलॉग, मैं ससुराल तब तक नहीं जाऊंगी जब तक टॉयलेट नहीं बनेगा भी है कॉपीड। हमने इनका प्रोमो देखा तो उसमें जो है आपको सेम टू सेम डायलॉग, मैं ससुराल तब तक नहीं जाऊंगी जब तक टॉयलेट नहीं बनेगा, तो सेम कोमल भारती ने वही डायलॉग बोला हुआ है जो कि हम पहले शूट कर चुके हैं। तो हमारा स्टिल फोटोग्राफ भी आप देखेंगे शूट का, तो उसमें डेट भी है, सब चीजें है जो कि पहले हमारा शूट हुआ है, इनका तो बाद में। प्रोड्यूसर सुरेंद्र यादव ने कहा ट्रेलर इतना मैच कर रहा है तो फिल्म कितनी मैच करेगी। अभी तो हम लोग सिर्फ ट्रेलर देखा है और ट्रेलर में इतना मैच कर रहा है, आगे चल के फिल्म अगर पूरी देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है पूरी फिल्म मैच कर रही हो। तो ये मतलब बहुत दुखद बात है कि भाई कि हमने, और जो प्रूफ की बात कर रहे हैं बीके भाई, हम लोगों ने लास्ट जून में शूट किया था 13 महीने से, वहाँ के ऑलमोस्ट सारे इनफैक्ट यूपी में अगर शूट करो तो आपके वहाँ पे मनोरंजन कर अधिकारी से आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो कि हम लोगों ने वहाँ पे यूपी में शूट के लिए हमने किया हुआ है, हमने वो सब किया हुआ है। तो वो भी सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है कि हमारी फिल्म कब से कहाँ थे। आज वहाँ का न्यूज़पेपर बहुत बड़ा है, आज मेन न्यूज़पेपर का नाम है, उस न्यूज़पेपर में आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं मेरी फिल्म किस बेस पे है और कब शूट हुई है, ये सब चीज़ें हैं। तो कहाँ तक जाएंगे आप मूवी के लिए, अपने अपनी लड़ाई के लिए? सर आखिरी तक जाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। साथ ही कहा बड़े प्रोड्यूसर और स्टार कास्ट ने चुराई है इनकी फिल्म। हमारी इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई हमारी चीज चुरा के ले जाता है तो मैं तो चुरा के ही बोलूंगा, तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत इनफैक्ट बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि हमने इतनी मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने इतनी मेहनत की और हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि यार एक बड़े प्रोड्यूसर्स बड़े स्टार कास्ट भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं, तो हमें बहुत दुख हो रहा है एक्चुअली। पीएम मोदी से भी है नाराज। जी बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे कि इनफैक्ट मैं उनको भी एक मैसेज ड्रॉप करना चाहूंगा। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है मेरे लिए। अक्षय जी की फिल्म शूट होने से पहले ही मैंने उनको इतने ट्वीट किए हुए हैं मोदी साहब को अबाउट माई फिल्म ओनली, कि भाई मेरे में क्या क्या चीजें हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कि मैं कैसे इस फिल्म को और आगे ले जा सकूँ, है ना। लेकिन उन्होंने एक भी ट्वीट का रिप्लाई नहीं किया हुआ हमारी इस फिल्म के लिए, तो मेरी कहीं ना कहीं मैं उनसे भी एक शिकायत है और वो भी एक प्रूफ हो गया। मैं वो ट्विटर के प्रिंट आउट भी दे सकता हूँ आपको, मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर चुका हूँ। ये मामला अब कोर्ट में चला गया है, अब देखना तो ये बनता है कि किसके हक में फैसला आता है।